मैम क्या नाम है आपका? प्रतिमा दीक्षित। ये बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बना? मोदी जी। मैम मोदी क्यों बने? अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं। अब उनके बारे में कुछ नहीं कहना। सर आप बताइए क्या नाम है आपका? डीपी दीक्षित। आप मुझे बताइए कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? कोई ऑप्शन नहीं है मोदी जी के अलावा। क्यों ऑप्शन नहीं दिख रहा है सर, क्यों वो लगता है? देखिए मोदी जी केवल देश नहीं बल्कि वो एक ग्लोबल लीडर हैं और दुनिया उनकी बात सुनना चाहती है, समझना चाहती है। उनकी दृष्टि से, उनके विजन को आगे पूरी दुनिया में लोग उसको सर आंखों पे ले रहे हैं, है ना। मोदी जी एक बहुत स्ट्रांग और बहुत समर्पित पर्सनालिटी हैं, है ना। तो हमारे कंट्री में तो इस समय मोदी जी के आसपास भी कोई नहीं है। राहुल जी तो अभी बहुत बचपना है राहुल जी में। राहुल जी कर रहे तैयारी? अब देखिए तैयारी तो देखिए डेमोक्रेसी है देश में, ये कोई चाइना तो है नहीं, है ना। यहाँ पे हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, हम भी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, आप भी हैं। लेकिन देश में जो स्थिति है और जिस तरह से कंट्री को, देश को आगे बढ़ाया है, उसमें मोदी जी के जो योगदान है उसको हम लोग कम करके नहीं देख सकते। राहुल गांधी का कहना है देश में एकता नहीं है, भाईचारा नहीं। बहुत भाईचारा है, है ना, बहुत भाईचारा है। ऐसा भाईचारा कभी रहा नहीं है और ये पूरी ईमानदारी से भाईचारा निभा रहे हैं मोदी जी। कोई भी योजना उनके ले लीजिए, वो किसी एक के लिए नहीं है, हैं वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सब के लिए है। कोई भी योजना हो उनकी, है ना, उज्ज्वला से लेकर के शौचालय तक की कोई भी योजना हो, वो उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया मोदी जी ने। और मोदी जी बहुत ग्रास रूट लीडर हैं देश के। कहाँ से हैं सर आप? मैं IIT कानपुर से हूँ। अच्छा, कानपुर से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं सर। चलिए उत्तर प्रदेश से आए हैं, सर ने अपनी बात रखी है, और भी लोगों से बात करते हैं क्योंकि इंडिया गेट ही एक ऐसी जगह है जो घूमने के लिए लोग यहाँ तमाम पूरे देश से आते हैं और अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? एमआई कुरैशी। ये बताइए कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? 24 में मोदी जी बनेंगे और कौन? मोदी जी क्यों बनना चाहिए? बस सही चल रहा देश और क्या। सही चल रहा सर? हाँ अब मैं क्या बताऊँ, गिनके गलत सही कट रहा और क्या। उन्होंने कहा सब कुछ सही चल रहा है, और लोगों से बात करते हैं क्या, और लोगों का इस पूरे मामले पर क्या राय है। क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फजरो नाजिक। कहाँ से आए? केरला से आए हैं। केरला से आए हैं, ये बताइए कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? इसके बारे में मुझे नो थैंक्स, नो कमेंट्स। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? योग। कहाँ से आए? गुजरात। गुजरात से आए सर। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल गांधी का कहना है कि आज देश में एकता नहीं है, नफरत फैल रही है। वो तो सब बोल ही रहे, बोलते रहेंगे। बीते दिनों अभी गुजरात में विधानसभा के चुनाव भी हुए, तो किस तरीके से देख रहे हैं? ये कहा गया था कि बीजेपी रिपीट नहीं करेगी। नहीं वो तो होएगा ही, मोदी कुछ ना कुछ नया करेगा ही। नया करेंगे? हाँ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या हुआ? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या? वो तो कुछ नहीं कर सकते हैं राहुल गांधी। नहीं वो ये कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों को न्याय देंगे। नहीं ये सर हाँ पहले थी ना तो उसे कुछ नहीं किया। मीत आप भी गुजरात? गुजरात से। ये बताइए आप तो खैर मोदी जी के गढ़ है, मोदी जी का राज्य है, ये बताइए कौन बनना चाहिए 24 में? नरेंद्र मोदी ही, हमको तो वही सही लगता है। राहुल गांधी का कहना है कि देश में एकता नहीं है, नफरत है, न्याय नहीं मिल रहा। नहीं नहीं सबको पहले मिलता था, अभी भी मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? पब्लिक बोलती तो है न्याय तो मिलता ही है ना, क्यों नहीं मिलता है? एकता नहीं, एकता भी है ना, क्यों नहीं है? एकता है तो भी इतनी सीटें आ रही है, सब वो सब हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, सब इसी वजह से तो हो रहा है। एकता तो सबके पास है, वो अभी निकले भारत जोड़ो यात्रा में तो अभी वो चीज़ का कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब एक ही है तो जोड़ो। हाँ जोड़ रहे तो पहले नहीं 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 गलत बात है, वो तो पहले भी एकता थी, अभी भी एकता तो है ही है। आप बताइए आप गुजरात से आते हैं और गुजरात से ही आते हैं देश के सबसे नंबर वन बिजनेसमैन अडानी अंबानी, और अडानी अंबानी को लेकर प्रियंका वाड्रा ने कहा है कि ये दोनों राहुल गांधी को नहीं खरीद सकते। नहीं नहीं वो तो कोई चीज़ नहीं, वो बिजनेसमैन अलग बात है, नेता लोग की अलग बात है यार। नहीं क्यों वो बात ही नहीं है ना, वो दोनों मिलजुल की बात ही नहीं है। नेता अलग चीज है, बिजनेसमैन अलग चीज है। मोदी जी सपोर्ट करते हैं, मोदी जी के दोस्त हैं अडानी अंबानी? नहीं 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 ऐसा कुछ है ही नहीं यार, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या नाम है आपका? विजय। कौन बनना चाहिए विजय 2024 में प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों?
पसंद है अपनी। पसंद है आपको। मैडम क्या नाम है आपका? रजनी। रजनी जी ये बताइए कौन बनना चाहिए 24 में प्रधान? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों बनना चाहिए? अब देखिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, इनके हर चीज़ के बदलाव का तरीका अलग है। हमारे इंडिया में जो हर चीज़ के बदलाव किया इन्होंने तो बहुत अच्छा किया है। उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया है। मैम क्या नाम है? कृष्णा वेणी। ये बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अभी पीएम नरेंद्र मोदी है वर्तमान में और राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल तमाम लोग जब वो भी प्रयास कर रहे थे। हमको तो राजीव गांधी बनना चाहिए करके लग रहा है। राजीव गांधी मैम नहीं है अब, राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों बनना चाहिए? वो कांग्रेस का ये ना, तो हमारे देश को सेवा करेंगे, बढ़िया है। सबको सेंट्रल गवर्नमेंट आगे आएंगे। हम आंध्र से हैं। आंध्र प्रदेश से हैं। आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम श्रीनिवास रेड्डी है, अमृतसर से आया है। ये बताइए कौन बनना चाहिए सर 24? मेरे तरफ से तो प्रधानमंत्री मोदी बनना चाहिए। बनने चाहिए तो सरकार तो अभी अच्छा चला रहा है, ठीक है, बढ़िया चला रहा है। अभी हमारे लिए तो सड़िया फौज का भी बहुत अच्छा ये किया है, बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहा है। सर अभी आपने आर्मी का जिक्र किया है, तो आर्मी को अगर लेकर देखें तो क्या लगता है मोदी सरकार की? अभी आर्मी के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, हर स्टेट लेवल से भी बोल रहा हूँ। हमारा स्टेट आंध्रा का है, आंध्रा स्टेट में भी बहुत बढ़िया बढ़िया जो स्टेट लेवल में भी जो हमारा सीएम वगैरह बढ़िया बढ़िया चला रहा है वो बढ़िया। इसकी वजह से हम नेता हमारा प्रधानमंत्री मोदी आने से। सर मोदी के बारे में और क्या कहेंगे? ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के आने से नफरत फैली है, राहुल गांधी कह रहे हैं। नहीं ऐसे तो कुछ नहीं है मैडम, बोलने वाला तो बोलते रहते हैं, लेकिन मोदी का सरकार बढ़िया है मैडम। कौन कौन से काम आपको अच्छे लगे? हर चीज़ मैडम आपको मतलब क्या बोलूँ, सबसे स्वच्छ भारत मतलब उसका बढ़िया, सबसे बढ़िया योग 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 मतलब सुबह जो योग करने क्या उसका बढ़िया है मैडम। ये तमाम जो काम है वो आपको अच्छा लगा? क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहम्मद अजीम। मोहम्मद जी ये बताइए कौन आना चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री? राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गरीब हर गरीब को 72,000 रुपए देंगे। तो अच्छी बात है ना, ये देंगे तो कोई बुराई कोई है? कहाँ से आएगा, बहुत पैसा हिंदुस्तान में, कोई कम कोई है? कहीं ना कहीं से तो आएगा। क्या नाम है आपका? अजरा। अजरा जी ये बताइए कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी क्यों बनने चाहिए? बस बेहतर वही लग रहा है। बेहतर वही लग रहा है। अच्छा राहुल गांधी कह रहा है ठंड नहीं लग रही, कह रहा ठंड ठंड से डर रहे हो। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोते ना तो पड़ता ही है। क्या खो रहे हो? बहुत कुछ खो रहा है बेचारे, मेहनत कर रहे हैं। तो देखो आजकल सब लोग ठंड में घर में ही बैठे हैं, लेकिन वो फिर भी कितना स्ट्रगल कर रहे हैं जी। उनकी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी बार बार पे कह रही है, लोगों का भी यही कहना है कि भारत टूटा कब था जो राहुल गांधी जोड़। बहुत कुछ टूटा है, नफरत भी बहुत जुड़ गई है। कैसे लग रहा है आपको कि नफरत है? आप मीडिया में देखिए पूछने दीजिए। वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, मैं उनकी जुबान हूँ समझ लो। मेरे हस्बैंड है ये तो। आप अपना मत बताइए कि आपको क्यों लग रहा है, क्यों नफरत? यही है कि कहीं भी निकलो तो हिंदू मुस्लिम फैली हुई है, कि कोई कह रहा है हम लोग हिंदू हैं, हम लोग मुसलमान हैं। ये चीज़ गलत है, यही चीज़ कौन कर रहा है? लोग कर रहे हैं, किसी एक का नाम कैसे बता सकती हूँ मैं? वो तो क्योंकि मैं आपको कैसे बताऊँ, सभी लोग। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कह रहे हैं कि ये सरकार जो है नफरत बांट रही है, आपको लगता है कि मोदी जी जो है नफरत बांट रहे हैं? ये हिंदू मुसलमान वाली बात कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे मीडिया का दिखाती है जो भी दिखाती है। जी जी वो आप बोलने नहीं दे रहे सर यार, मैं मानती हूँ आपकी वाइफ है पर उन्हें अपना मत रखने दीजिए। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? यतेंद्र भाटी। कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद। ये बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी। मोदी क्यों आना चाहिए? इस देश के लिए जरूरी है। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी नफरत बांट रहे हैं और हमारी सरकार बनेगी तो हम गरीबों को 72,000 रुपए। अपना अपना जो कहा ना सोचने को नजरिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम सभी को न्याय देंगे और 72,000 रुपए देंगे। अच्छा तो गरीबन ने जो जरूरत होगी बेचारे दे देंगे 72,000 रुपए? ये पॉसिबल नहीं है। जो क्या नाम है आपका? नीरज चौधरी। आप मुझे बताइए चौधरी जी कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? बनने चाहिए अपने जो राहुल जी बनने चाहिए। हाँ क्यों बनने चाहिए? राहुल जी टी शर्ट में घूम रहे बेचारे, जगह जगह पैदल घूम रहे, नहीं अच्छे के लिए घूम रहे तो अच्छा। सुनो कुछ पब्लिक को दिखाने के लिए कुछ करने के लिए बेचारे भाग दौड़ कर रहे हैं। सर भाग दौड़ बढ़िया है या काम बढ़िया है? काम भी वो काम भी कराएंगे। काम भी कराएंगे। हाँ काम भी कराएंगे।
करेंगे, क्या नाम है सर आपका? ग्रिजेश कुशवाहा एडवोकेट। ग्रिजेश जी ये बताइए कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? कहाँ पे प्रधानमंत्री देश का होता है सर? ये अभी तो नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है। 24 में कौन आना चाहिए? वही आएंगे, अभी उनने अप्रोच अच्छी बना रखी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। क्या कैसे लग रहा है आपको कि उनकी अप्रोच अच्छी है? नहीं, उनने जो एक गरीब आदमी के लिए जो अनाज बांटा है और एक घर घर शौचालय बनाए हैं और मकान गरीबों के बनवाए हैं, इसलिए उन लोगों की अप्रोच अच्छी बन गई है। पर न्याय, वो कह रहे राहुल गांधी का कहना है कि न्याय और भाईचारा नहीं है मोदी जी के राज। नहीं, ये न्याय बाद में अटैच करता है, आदमी की दिनचर्या की ज़रूरतें पहले अटैच करती हैं इंसान को। ये आप तो एडवोकेट हैं सर, ये बताइए आपको लगता है कि न्याय नहीं है या फिर राहुल गांधी जैसे कह रहे हैं? नहीं, वो तो पॉलिटिक्स वाला फंडा है, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना दिन दहाड़े कुछ हो रहा हो, एक इक्का दुक्का मामले हो रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है।